अस्सलामु अलैकुम। क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट सलाद, ये दो सीक्रेट टिप्स फॉलो करके देखिए, आपका फ्रूट सलाद कभी पतला नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। वीडियो आखिर तक देखिए, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। और ये फ्रूट सलाद बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट सलाद बनाना हम शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड सलाद बनाने के लिए बाउल में एक कप दूध ले लें। दूध ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, नॉर्मल दूध लें। इसमें 4 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर डाल दें। इसे मिक्स कर दें। इसी में हम 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे फ्रूट सलाद में। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, चलिए इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। पैन में 1 लीटर गाढ़ा दूध गरम कर लें, इसमें उबाल आने दें। दूध में उबाल आ चुका है, इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लें मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें 100 ग्राम शक्कर डाल दें। इलायची पाउडर डालिए 1/2 टीस्पून, मिक्स कर लें। फिर से 2 मिनट के लिए पकाइए शक्कर घुलने तक। शक्कर अच्छे से घुलने के बाद इसमें डालिए 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क यानी मिल्क मेड। अगर आपके पास ये ना हो तो स्किप कर दें, लेकिन इसे डालने से फ्रूट सलाद हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी 100 ग्राम नहीं 150 ग्राम 150 ग्राम शक्कर डालिए। चलिए फिर से मिक्स कर लें और इसे अच्छे से पकाते जाइए, फिर से 1 से 2 मिनट के लिए। इसे अच्छे से पकाने के बाद कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध इसमें डाल दें। इसे डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। इसी तरह मिक्स करते जाइए और पकाते जाइए, स्पून बिल्कुल भी मत निकालिए वरना ये नीचे से पकड़ सकता है। देखिए अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। ऐसे ही फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे बहुत अच्छे से पका लिया है। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये जो साइड्स में है इसे निकालते जाइए। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने रख दें। कभी कभी इसमें भी लम्स फॉर्म हो जाते हैं, घबराइए मत। इसके लिए भी मेरे पास एक सीक्रेट टिप है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो देखते रहिए। इसे इस तरह से एक बाउल में निकाल लें, ठंडा कर लें और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रख दें 1 से 2 घंटों के लिए, यानी इसे हमें बहुत अच्छे से ठंडा करना है। इसी दौरान आप फ्रूट्स कट करके रेडी रख लें। और एक बात याद रखिए, फ्रूट्स कट करने के बाद फ्रूट्स को भी रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा कर लें। इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको बताती हूँ, वीडियो देखते जाइए। रेफ्रिजरेटर से कस्टर्ड निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सर के जार में डाल के पीस लें। बहुत ही ज्यादा क्रीमी बन जाता है। अगर आप नहीं पीसना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से पीस के अगर आप कस्टर्ड फ्रूट सलाद बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगा। कस्टर्ड को थिक और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें आम ऐड कर दें, क्योंकि आम का सीजन है। एक आम ले लें मीडियम साइज का। देखिए कितना क्रीमी बना है। चलिए अब ये परफेक्ट है।
कस्टर्ड तो हमारा रेडी है, अब नेक्स्ट हमें चाहिए कटे हुए फ्रूट्स। आपके जो भी फेवरेट फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं, लेकिन एसिडिक फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल ना लें, और ऐसे फ्रूट्स ना लें जिसमें ज्यादा पानी निकलता हो, जैसे कि तरबूज। मैं यहाँ पर सेब, काले अंगूर, हरे अंगूर, केला, अनार, खजूर, आम, काजू, थोड़े से चेरीज, ये सब ले रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी है। केला और सेब लास्ट में काट लें, इन्हें ना रखें रेफ्रिजरेटर में, जस्ट लास्ट में कस्टर्ड बनाने से पहले ही कट करिए। इस तरह से रेफ्रिजरेटर में रख के फ्रूट्स कस्टर्ड के साथ मिक्स करने से कस्टर्ड हमारा पतला नहीं होगा, बहुत देर तक गाढ़ा ही रहेगा। ये भी एक सीक्रेट टिप है। अब एक बाउल में डाल के सभी फ्रूट्स मिक्स कर लें। जब भी आपको कस्टर्ड सर्व करना है तभी आप फ्रूट्स और कस्टर्ड को मिक्स करें, उससे पहले ही मिक्स करके ना रख दें। इस तरह भी करने से ये कस्टर्ड फ्रूट सलाद हमारा पतला हो जाता है, ये भी एक टिप है। देखिए इस तरह से सर्व कर लें, मैं आपको बताती हूँ। मजेदार क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट सलाद तो हमारा रेडी है। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, और जाते जाते चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट में बताएं ये मज़ेदार कस्टर्ड फ्रूट सलाद आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें।